आपका ऐसा क्या जादू है जो चल गया है सब? ये बहुत जो अफरा तफरी हम भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, अभी उनको जहां तक मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश उनके लिए आसान नहीं है, राजस्थान भी आसान नहीं है, तेलंगाना में तो है ही नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ को सबसे बड़ी चुनौती मान रहे हैं। और उसका कारण यही है कि वो आज तक के राम के नाम से, गाय के नाम से वोट मांगते रहे, लेकिन रामोन्गमन पर्यटन प्रपत्र 15 साल में रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई, वो हमने उसकी शुरुआत कर दी है। और वो जय श्री राम का उद्घोष करते थे, उसके जगह छत्तीसगढ़ में भांचा राम का उद्घोष होता है जी। एक रिश्ता भगवान राम से छत्तीसगढ़ का, उसको हमने स्थापित किया। और दूसरी बात यह है कि गाय के नाम से वो लोग वोट मांगते थे, लेकिन गाय की कभी सेवा नहीं की जी। उसके नाम से मॉब लिंचिंग होती रही है, पैसा वसूली करते थे, बहुत सारी घटनाएं घटी पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में भी ये होता रहा है। लेकिन हमने ऐसी व्यवस्था की कि 2 रुपये किलो गोबर खरीदा, 4 रुपये लीटर में गौमूत्र खरीदने के साथ 10,000 से अधिक गौठान हमने बनाई, और जिसमें डे केयर के रूप में उसको विकसित किया। और उसके साथ साथ लोगों के आजीविका, उसके रोजगार के लिए भी वहाँ बहुत सारी योजनाएं हमने संचालित की, और जिसके कारण से जो गौ पालन है वो अनार्थिक हो गया था, उसे हमने अर्थव्यवस्था से जोड़ा। तो वो 2 मुद्दे हैं जो उनसे छीन गए हैं, तो उससे बड़े घबराए हुए हैं। सर, हमारा अगला सवाल भी यही था कि आपने भारतीय जनता पार्टी जिसपे क्लेम करती है हिंदुत्व, उनसे जुड़े सारे मुद्दे आप अपना चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ बचा नहीं अब छत्तीसगढ़? देखिए, असल में क्या है कि कांग्रेस या तिलक जी के समय से देख लीजिए, या सुभाष चंद्र बोस जी के समय देखें, उसके बाद फिर महात्मा गांधी के समय देखें, उन्होंने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया है। सारे नेताओं में एक-एक नाम नहीं लूंगा, लेकिन सारे नेताओं ने समाज में जो दूरी थी विभिन्न जातियों धर्म के बीच में, उस खाई को पाटने का काम किया, चाहे नेहरू जी हो, पटेल जी हो जी। और अंत में आप देखेंगे वर्तमान में राहुल जी भी, वो भारत जोड़ो की बात करते हैं, तो समाज को जोड़ने की बात करते हैं। और ये बहुत आसान है लोगों के बीच में नफरत फैलाना। और ये लोग सोचते हैं कि जब अंग्रेज फूट डालो राज करो नीति में 200 साल तक के राज कर ले, तो हम लोग कुछ साल तो कर ही सकते हैं जी। उस रास्ते में चलते हुए ये लोग केवल नफरत फैलाने का काम, विभिन्न जाति धर्म के बीच में, जहां अल्पसंख्यक उसके खिलाफ बोले, जहां सिख अल्पसंख्यक उसके खिलाफ बोले, जहां क्रिश्चियन अल्पसंख्यक उसके खिलाफ बोलो, जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक उसके खिलाफ बोलो। और नहीं है तो फिर कहीं पे आदिवासी, गैर आदिवासी, कहीं पिछड़े वर्ग, कहीं अपर क्लास, तो इस प्रकार से समाज को बांटने का काम ये लोग लगातार करते रहे हैं। और कांग्रेस है लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारा तो काम जोड़ने का है जी। और लगातार इसको सभी वर्गों को जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। गाय के नाम से सावरकर जी के लेख आप पढ़ लीजिए, और गाय के नाम से महात्मा गांधी जी के लेख पढ़ लीजिए, वो अंतर नजर आ जाएगा।